हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बनाने जा रहे हैं होली के मौके पे ये स्पेशल भुजिया। तो फिर चलो बनाना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, होली का मौका है तो होली के मौके पे हम बना रहे हैं भुजिया घर पे। तो भुजिया की पूरी तैयारी मैंने यहाँ पे करी हुई है। यहाँ पे मैंने भुजिया का मसाला बना लिया है, यहाँ भुजिया के लिए मैंने मैदा गूंद लिया है। तो अब हम भुजिया बना लेते हैं। तो गुजिया बच्चों को बहुत ही पसंद आती है मेरे, तो फिर मैं इसीलिए हर होली पे थोड़ी सी मेहनत होती है लेकिन बना लेती हूँ। हल्का सा जो है ले लेते हैं हल्का सूखा आटा। तो सूखा मैदा मैंने थोड़ा सा बचा लिया था। तो पूड़ी को बेल लेते हैं। तो पूड़ी को जो है बढ़िया से बेलेंगे, बीच में पतला रखेंगे और साइड में बेशक आप थोड़ा सा मोटा रहने दें कि उसकी जो है कटिंग हो जाती है। भुजिया जो है 2 से 3 जने बनाए तो बहुत जल्दी बनती है। तो मैंने यहाँ पे 2 तरीके के सांचे रखे हुए हैं, एक है थोड़ा छोटा और एक है बड़ा। जिस साइज की आपको भुजिया बनानी हो आप वैसे मार्केट से लेके आ सकते हो। तो बड़े सांचे के लिए थोड़ी बड़ी भुजिया बनती है और पूड़ी भी थोड़ी बड़ी बेलनी पड़ती है। तो इसके ऊपर पूरा पूड़ी को रख लेंगे साइज से इस तरीके से। तो अब जो है हमने यहाँ पे ले लिया दूध, दूध लगा देंगे हम चारों तरफ। अगर आप दूध नहीं लगाना चाहते इसमें तो आप इस पर पानी भी लगा सकते हो। तो दूध लगा लेना है हमने। दूध इसलिए लगाया है कि इसमें जो बाइंडिंग है वो नहीं छूटेगी। तो इसमें हम डाल देते हैं एक साइड मसाला। तो मसाला जो है हमारा इसमें 1.5 चम्मच करीब आ गया है। तो बहुत ज़्यादा ओवरफुल इसको नहीं भरना होता, नहीं तो फ्राई करते टाइम सारा बाहर आ जाता है मसाला। तो अभी ये सांचा जो है हमने बंद कर दिया है, इसको इसी तरीके से प्रेस कर लेते हैं और जो इसकी बाकी की जो कटिंग है ना ऊपर से इस तरीके से निकाल देते हैं। तो अब देख लेते हैं हमारी जो भुजिया है इसको हल्के हाथों से इस तरीके से निकाल लेंगे। तो इस साइज की जो भुजिया है हमारी बनके रेडी हो गई है। तो यहाँ पे मैंने तैयारी करी हुई है, देख सकते हो एक मैंने कॉटन की चुन्नी बिछाई हुई है। इस तरीके से इसको सुला देंगे। तो 1 से 2 भुजिया मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ। तो छोटा सा पेड़ा लेना है बिल्कुल। इसी तरीके से बेल लेंगे हम इसे। इस वाले सांचे में डाल लेते हैं इसको। इसी तरीके से हम चारों तरफ से दूध लगा लेंगे। दूध लगाने से जो भुजिया है बहुत बढ़िया से चिपक जाती है। और इसमें डाल लेते हैं ये मसाला। ये भुजिया का जो सांचा है थोड़ा सा छोटा है तो इसमें 1 ही चम्मच आया है। तो अब इसकी जो है कटिंग कर लेते हैं। इसमें जो है इतने साइज की भुजिया बनी है, देख सकते हो। अभी ये इतनी मैं सारी भुजिया बना लूंगी और सारी बनाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ऊपर मैंने जो है एक चुन्नी और ले ली है कॉटन की, इससे जो है हम इसको ढक देंगे और पंखा बिल्कुल नहीं चलाएंगे। फिर पंखा चलाने से जो है भुजिया हमारी सूख जाएगी और फिर कड़क बनेगी फ्राई करेंगे तो इसको ढक लेंगे। अब सारी बनाने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से इसको बना के रखा है मैंने और फिर करेंगे फ्राई। तो ये भुजिया हमने सारी बना के कॉटन की चुन्नी पर रख ली थी। तो अब मैं इसको परात में डाल के ले आई हूँ लास्ट में। तो आप देख सकते हो कढ़ाई मैंने रख ली है यहाँ पे। तो कढ़ाई में जो है मैंने रिफाइंड ऑयल डाल लिया है। आपको जो भी है घी में भी फ्राई इसको कर सकते हो। तो इसको हल्का सा गोल्डन होते जैसे ही गोल्डन होने लगे वैसे ही निकाल लेनी है। मीडियम फ्लेम पे इसको सेकना है। तो भुजिया हम इसमें निकाल लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा कड़क नहीं करते, बहुत ज़्यादा लाल नहीं करते, नहीं तो भुजिया हमारी सॉफ्ट नहीं रहती। जो बाहर से हम लेके आते हैं भुजिया वो चाशनी वाली होती है। तो इसी तरीके से सेम भुजिया बना के और जो है चीनी की चाशनी में डिप कर देते हैं। आप चाहें तो वैसे भी इसको बना सकते हो। तो मीडियम गैस पर हम बाकी भी डाल देंगे भुजिया। तो जितनी की आप कढ़ाई में जगह है उतनी भुजिया आप इसमें फ्राई कर सकते हो।
तो गुजिया बनाने का तरीका आपको फ्रेंड्स मेरा कैसा लगा, तो होली पे बहुत बहुत बधाइयाँ हो आपको। आप भी इसी तरीके से गुजिया बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया बन जाती है। और इस तरीके से जैसे इसमें हल्का सा कलर आएगा, दूसरी तरफ से हम इसको पलट देंगे फटाफट। ये बहुत पतली पूड़ी बेलते हैं हम, इसीलिए ये बहुत जल्दी सिक जाती है। तो साथ साथ पलटते रहेंगे ताकि जो है ये चारों तरफ से सिक जाए इस तरीके से। तो गुजिया बना के एकदम आप डब्बे में इसको नहीं रखना, नहीं तो क्या है गरम गरम कई बार हम डब्बे में रख देते हैं तो गुजिया खराब हो जाती है और फूटने लग जाती है। तो उसको कम से कम भी फ्राई करने के बाद 2 से 3 घंटे ठंडा करें, और उसके बाद आप जिस भी कंटेनर में रखना चाहते हो उसको उसमें आप रख सकते हो। तो आप देख सकते हो मैंने ये पतीले में निकाल ली है सारी गुजिया, तो मैं पतीले में रख लेती हूँ। तो बहुत फर्स्ट क्लास गुजिया हमारी रेडी है बनके। तो फ्रेंड्स ये गुजिया जो है सारी मैंने बना के ये थाली में सजा ली है आपको दिखाने के लिए। तो देख सकते हो कितनी परफेक्ट, कितनी बढ़िया गुजिया हमारी बनके रेडी हो गई है। तो गुजिया बनाने का तरीका आपको कैसा लगा, मेरा गुजिया पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो हैप्पी होली, मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ।